हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और इसी उम्मीद के साथ अपने व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। ये दोपहर का समय है, मैं नहाकर सारा काम फिनिश करके चाय बनाने लग गई थी क्योंकि नीचे से आवाज़ लगाई थी इसके पापा ने कि नीचे कोई आ रहा है, 4 कप चाय बना दे। और मैं नहा के सर धोया था आज, तो फिर स्टॉल नहीं ओढ़ा था क्योंकि बाल थोड़े गिल्ले से थे ना, तो गिल्ले पे स्टॉल ओढ़ लेती, ये सूखते नहीं, फिर नज़ला हो जाता है। तो गर्मा गर्म चाय पी लीजिए आप लोग भी फ्रेंड। चाय हो गई है तैयार। अब मैं यहाँ से कप उठा रही हूँ और 4 कपों में चाय डालकर नीचे देके आऊँगी। और सर धोने के बाद ना धूप में बैठने को बहुत मन करा, बाल भी सूख जाए और ठंड से भी उतर जाए, लेकिन धूप में बैठ नहीं सकते, मजबूरी है, बंदर इतने ज़्यादा हो रहे बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर चाय गाल रही हूँ इनमें कपों में, 1 कप चाय मैं भी लेकर पीऊँगी और आप लोग भी पी लीजिए। ठंड में तो चाय अच्छी लगती है, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। गर्मियों में तो फिर भी 1% कम ही पीते हैं, कोई इतने पसंद नहीं करता, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं चाय को। तो जी चलिए नीचे चाय दे के आते हैं। और नीचे चाय दे आई हूँ मैं, नीचे सब्ज़ी लो आई थी, मैंने सब्ज़ी वाले भैया आए थे, सब्ज़ी की पोलोथीन उठा के लेके आई हूँ। मटर, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च ये लेके आई हूँ, और गाजर, हरा धनिया। तो गाजर तो मैं आज शाम को बनाऊंगी और दोपहर के लंच में बनाऊंगी आलू और प्याज की पकौड़ी। तो आलू प्याज की कटिंग करूंगी बैठ के, क्योंकि बच्चे मुझे कह के गए थे मम्मा आज आलू और प्याज की पकौड़ी बना देना, इतने में तैयार कर दूंगी, तब आएंगे तभी उतार दूंगी क्योंकि ठंडी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर आलू और प्याज तो मैंने पकौड़ी के लिए काट कर रख दिए थे साइड में, बच्चे नहीं आए थे तो मैंने सोचा इतने लड्डू की तैयारी कर लेते हैं, बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर। बच्चों के भी नज़र जुकाम से चल रहे थे और युवान को ना लड्डू खाने का इतना शौक है, तो फिर हमने सोचा कि चारों बच्चों के लिए ही बना लेते हैं और एक आधा हम भी ले लेंगे। तो ड्राई फ्रूट तो मैंने भून लिए हैं ये, और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठंडे हो जाएंगे तो फिर मिक्सी के जार में पीस के इनको थोड़ा बारीक सा ही डालेंगे क्योंकि बच्चे खाते नहीं ड्राई फ्रूट। फिर अगर मोटे मोटे रख दूंगी, और मोटे इतने अच्छे से भी नहीं लगते क्योंकि मोटे मोटे, थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च और वाइट वाली मिर्च डाल दी है, और घी गरम करके अब बेसन डालूंगी, बेसन भूनूंगी। ये देखिए लड्डू हम बनाने लग रहे हैं। इस बीच में बराबर से ही चाची जी और जो हमारे पास आ जाती है ना, वे आ गई थी, फिर मैंने पकौड़ी बनाई, चाय वाय बनाई, उनको दी, और बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, बच्चों को खिलाए, बच्चों को ट्यूशन भेजा, तो मैं वीडियो वगैरह बनाना भूल गई। और ये मेरा बेसन भी हो गया था तैयार, इसको भी मैंने फिर साइड में रख दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म में तो नहीं बना सकते ना, हाथ जल जाएंगे। तो इतने बैठी रही बस, फिर वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनी, ना पकौड़ियों की ना बेसन भूनने की। तो अभी ये ठंडा हो रहा है, नॉर्मल सा हो गया। तो मैं और पूजा दोनों हम बना रहे हैं लड्डू, बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं तीनों, और युवान यहाँ पर खेल रहा है, उसकी मस्ती जारी है। और जब कोई घर में आ जाता है ना अचानक से, फिर बस ये लगे कि थोड़ी मुझे शर्म सी भी आवे कि कैमरा के लिए फिर जावे, फ़ोन लिए फिर जावे, और हर कोई वीडियो में आना भी पसंद नहीं करता। तो फिर मैंने इसीलिए कुछ तो इसीलिए नहीं बनाई थी, मैंने कहा रहने दे कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे हम बाद में।
तो अब आप भी खा लीजिए लड्डू, और बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। मतलब इसमें मैंने काली मिर्च, वाइट वाली मिर्च ये सब कुछ डाल ली ना, और सारे ड्राई फ्रूट डाले, बादाम, काजू, मखाने और ये सब कुछ डालकर बनाए हैं। एक लड्डू रोज़ भी खा लो, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये इस तरह से अपना सही रहे और बच्चे भी खा ले रहे। और ये देखिए ये ना नीचे यहाँ पर जाल है, जाल में को इन्हें अपने ताऊजी को आवाज़ लगा जाओ, आ जाओ चिज्जी खा लो, लड्डू खा लो, इसमें लगा हुआ है। और यहाँ ना मैं युवान को छेड़ रही थी, मैं कहा हाँ युवान ने सुसु कर दी पैंट में, युवान ने सुसु कर दी, तो ये रो रो के अपनी मम्मी के पास जा रहा था, मम्मा मम्मा करके। और ये देखिए फुल मस्ती में है। और यहाँ पर मैं और पूजा बात कर रहे थे, क्योंकि हम ना वहाँ पर गए थे लाल कुर्ती पे, कुछ सामान लाना था बच्चों के लिए भी, और वे जो चाची जी आ रही थी ना, वे भी गई थी, वे भी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि चलो चलो बच्चों के लिए स्वेटर जर्सी लेके आनी है ऊँचे और। तो फिर हमने वे आई थी मामी जी, दवाई लेने के लिए उनको छोड़ने के लिए जाना था मेरठ, उन मेरठ से उनको बैठाना था सामने वाली गाड़ी में, तो वहाँ तक का तो गए थे भैया, तो फिर हम भी चले गए थे गाड़ी जब गई थी बैठ कर, फिर वहाँ से हम भी थोड़ी सी शॉपिंग करके लेके आए। इस वाले व्लॉग में तो मैंने शेयर नहीं करी, लेकिन आगे व्लॉग में करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर। और फिर गाड़ी में ना इतने सारे जने भी नहीं आ पाए थे, उनके साथ मम्मी थी, मामी जी थी, पूजा थी, और ये जो मेरी सासू माँ थी, और ये थी चाची जी और थी, तो कुछ जने फिर हम ऑटो से चले गए थे। ऑटो मवाने तक का जाती है, मवाने से फिर रोडवेज गाड़ी मिलती है जो वहीं लाल कुर्ती ही उतारती है ले जाकर, तो कुछ ऑटो से चले गए थे कुछ वैसे, तो फिर उधर से सब लोग गाड़ी में ही आ गए थे। और मुझे ज़्यादा करके एक ब्लैंकेट लेके आना था, जो मेरी शादी का ब्लैंकेट था ना, वो अब बहुत हल्का हो गया है, तो मैं एक ब्लैंकेट लेके आई हूँ, और इनके गरम लोअर वगैरह लेके आने थे, स्वीट शर्ट वो लेके आई हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये वाली थाली तो भर गई है, मैं दूसरी वाली थाली लेके आ रही हूँ, उसमें कर दूँगी, इसमें से कुछ लड्डू इधर रह जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे। और इसमें साग है सरसों का, ये पूरा दिन पापा पापा रहा है, सब पापा का ज़्यादा लाडला हो रहा है, पापा जा रहे हैं इसके भूख लेके, पापा 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 रहा है। और इस साग की पन्नी में लगा रहेगा, ऐसे तो खुल लगा, अगर खुली नहीं तो ये सब बखेरेगा। और कई दिन से ना ऐसे व्यस्त से चल रहे थे, व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे, बस कभी किसी का आना, कभी किसी का जाना, और बच्चों की भी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, तो व्लॉग व्लॉग बन नहीं पा रहा था, कुछ मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, अभी सही करा के लेके आई हूँ। अब हुआ है देखते हैं, अब कंटिन्यू बना पाएंगे तो डेली व्लॉग डालेंगे आप लोगों के लिए, और फुल वॉच किया करें, आप लोगों के सपोर्ट से हमें भी मंजिल मिल जाएगी। और इस बात के लिए सॉरी गाइस कि हम पूरी रेसिपी नहीं डाल पाए, पता नहीं था कि वे लोग आएंगे, अचानक से आ गई, तो फिर इसीलिए पूरी रेसिपी नहीं डाल पाई। और वे लोग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, थैंक यू। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अपना ध्यान रखो अच्छे से, तब तक के लिए हमारी आप सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लेके आएंगे आप लोगों के साथ।